खटपट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए अब देखते हैं कोरबा जिले की प्रमुख खबरें फास्ट न्यूज पर। देश प्रदेश के साथ ही कोरबा जिले में भी कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारियां अंतिम स्तर पर है। कोरोना का टीका सबसे पहले अग्रणी स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा। जिले में प्राइवेट और सरकारी समेत करीब 11,000 फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जिनके डेटा फीडिंग का काम जारी है। जैसे ही कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आएगी, उन कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मारवाड़ी युवा मंच दर्री जमनीपाली द्वारा शासकीय हाई स्कूल दर्री में पिछले सत्र में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों मिताली कंवर, राजश्री, अविनाश तथा रीना पटेल का सम्मान किया गया। इस दौरान मंच के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने किसी भी परिस्थिति में सहायता के लिए मंच से संपर्क करने की बात कही। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के तौर पर मनाते हुए भाजपाई अब किसानों को साधने की तैयारी में है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों के खातों में राशि हस्तांतरित करेंगे और किसानों को संबोधित भी करेंगे। जिले के भाजपा पदाधिकारी भी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह के नेतृत्व में इस आयोजन से किसानों को जोड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। कटघोरा वन मंडल के केंदई व पसान रेंज में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथियों ने एक बार फिर क्षेत्र में उत्पात मचाते हुए ग्राम कोदवारी में 4 मकानों को तोड़ दिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलने पर वन अमला हाथी मित्र दल के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों के सहयोग से उन्होंने हाथियों को खदेड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज। आप देख रहे हैं खटपट न्यूज।